into the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। टिकट्स बाई कर लिए हैं जी मैंने, इधर मैं मौजूद हूँ शीश महल में, मैं इंटर हो रहा हूँ तो ये शाही किले के अंदर मौजूद है शीश महल। तो मैं इधर आपको ये सारे मनाजिर दिखाता हूँ जी, ये दिखाएं जी इधर इस तरफ, ये देखें ये कितनी ओल्ड ये वो है खिड़की टाइप लगाई हुई है, कितनी पुरानी इमारतें हैं। और ये तारीखी पस मंज़र बयान करती हैं कि कैसे कैसे लोग गुजरे हैं जो इस तरह की बुलंद बाला इमारतों में रहें, और उन्होंने अपने देखे। इधर हम जो तामीरी फ़न है उसका भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा सबका दौर था उसमें भी लोग कितने माहिर और कितने जो है ना महारत रखने वाले थे। ये गार्ड बैठा हुआ है गाइस, हम मूव करते हैं, राइट साइड पे है जी हमारे शीश महल में, आपको दिखाता हूँ जी। तो गाइस ये आप देख सकते हैं सामने मनाजर हैं, ये शीश महल का बैरूनी मंजर है, और ये सामने आप देख सकते हैं ये जो है जगह, ये फाउंटेन है, इधर दरमियान में फाउंटेन लगा होता था, तो ये जो है ना वो आस पास इसके पानी होता था। ये इस तरह का इधर जो है ना ये इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है यार। आज भी हम देखें तो उनकी खूबसूरती जो है ना हमें लुभाती है, और हमें ये पुराना नहीं लगता कि यार ये ओल्ड फैशन जिसे कहते हैं कि जी, अब भी ये जो है ना चीज़ें हमें ऐसा लगती हैं कि जदीद हैं, क्योंकि उनकी महारत थी, उनकी ये कारीगरी थी, जिस तरह उन्होंने इस तरह इन चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ था, बिल्डिंग्स को और मुख्तलिफ जो इस तरह की चीज़ें सारी चीज़ों को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ था। ये गाइस हम एंटर हो रहे हैं, सामने काम भी हो रहा है इसमें कुछ, ये देखें यहाँ इन्होंने लगाया हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस नो पब्लिक एक्सेस, इधर इस साइड पर जो है ये है जी शीश महल, आप देख सकते हैं ये शीशे लगे हुए हैं इधर, शीशों के शीशों को इस्तेमाल करके इधर डिज़ाइनिंग की हुई है, और जिस वजह से इसको शीश महल कहा जाता है। इसकी तमाम अंदरूनी जो बिल्डिंग है और बाहर की साइड भी जो है इस तरह को जो है ना शीशे का डिज़ाइन बनाया हुआ है, माशाल्लाह कितना प्यारा नज़ारा है और बहुत ही खूबसूरत लगता है, जिससे ये जो महल है ये एक ख़ास और मुनफरिद हो जाता है जिस शीशे के काम की वजह से। ये देख सकते हैं ये बाहर बालकोनी है, वो सॉरी सहन है। तो इस तरफ हम मूव करते हैं, आगे से आगे जो ये हमें जो है ना कमरे देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे रूम्स हैं जिनको जहाँ पर जो है ना बादशाह जो आराम वगैरह करते थे, और मुख्तलिफ जो है ना उन्होंने डिवाइड किए हुए हैं और मुख्तलिफ तरह से उनको जो है ना डिज़ाइन किया हुआ है। आगे से आगे जो है कमरे वो खुलते जाते हैं, उनके रास्ते इधर उधर चारों तरफ जो है ना वो आप देख सकते हैं कि उधर होते हैं। और ये जो है ये खिड़की है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैरूनी मंजर शाही किले का। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ जी बाहर की तरफ से, आप देखें तो यहाँ ये बिल्डिंग है जी, ये देखें लाहौर का बैरूनी मंजर है, बाहर से देख सकते हैं आप ये पूरा लाहौर जो है इधर नज़र आ रहा है आपको। ये अब मैं कैमरा मूव करूँगा इस साइड पे, तो देखना आप ये ज़रा इधर बिल्डिंग है इसकी शाही किले की, ये देख सकते हैं आप, ये जो है ना ये शीश महल में ही आता है, ये शाही किले की बिल्डिंग है। तो इसके नीचे ये इस तरह का सहन है, और नीचे जो है बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं। ये इस तरफ हम मूव करते हैं जी, ये आगे काम शाम हो रहा है इधर, तो ये देखें इधर नाम वगैरह भी लोगों ने लिखे हुए हैं जी, वो हार्ट बना के बीच में जो लवर्स वगैरह आते हैं, इस तरह आते हैं ना इधर वो शेयर करने, और इस तरह की जगहों पर ये देखें ये खिड़की है, और यहाँ भी जो है यहाँ से हमको मुख्तलिफ व्यू मिलेगा, वो बिल्डिंग नज़र आई जो उधर से भी हमने देखी थी, ये देखें। तो इस तरफ मैं कैमरा घुमाता हूँ, तो यहाँ पर जो है लेफ़्ट साइड पर हम देखते हैं हमें क्या देखने को मिलेगा, एक मिनट। अच्छा गाइज ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का मंज़र, ये इस तरह का जो है ना व्यू आता है इधर से, और हर उसमें कमरे में अलग से जो है ना वो विंडो रखी हुई है ताकि मुख्तलिफ व्यू जो है ना वो मिल सके देखने को। अच्छा गाइज आगे दूसरी खिड़की से तीसरी खिड़की से देखते हैं जी इधर से क्या नज़ारा हमें देखने को मिलता है।
तो यहाँ से हम देखते हैं जी, यहाँ से हमें देखने को मिलता है थोड़ा सा वही सेम था। खैर आगे से हम दोबारा जो है नगली उसमें जाएंगे, ये देखें ये वो अंगीठी टाइप हैं जो हमने अटकुल ड्रामे में भी देखी थी, महल्स में होती हैं, महलों में, तो वही पुराना डिज़ाइन है। अच्छा ये खिड़की जो है ना विंडो बंद की हुई है, इधर से जस्ट वो हवा के लिए रखा हुआ है। ये देखें ये अंगीठी है जिसमें से एक वो उसमें अर्थगुल जो है ना जाकर सुरंग में जा चला जाता है यहाँ से। तो ये इस जो है ना माशाल्लाह ये बड़ा प्यारा है यार, उस स्टोर के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो बहुत अच्छा और खूबसूरती है जिस तरह से ये बनाया हुआ है। तो इस तरह जो है ना हम इस तरफ ये बंद की हुई है विंडो, आगे यहाँ भी ये जो है ना इसको बंद किया हुआ है, और ये ऊपर देखें शीशे का काम किया हुआ है, डिजाइनिंग की हुई है, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत डिजाइन की हुई है ये आप देख सकते हैं। तो ये देखें अब यहाँ से गायज आपको थोड़ा सा ना डिफरेंट नज़ारा जो है ना मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट विंडो से। तो मैं आगे जाता हूँ जी, यहाँ जो है ये यहाँ भी बंद है, तो इससे थोड़ा सा जो है ना आगे को ये विंडो जो है ना इधर से जो है ना आपको मीनारे पाकिस्तान नजर आएगा। ये नीचे पार्किंग है शाही किले की, और ये सामने आप देख रहे हैं मीनारे पाकिस्तान है। मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ ये, और इसके लेफ्ट साइड में आपको दिखाता हूँ ये बादशाही मस्जिद भी इधर से नजर आ रही है हमें। ये सामने आप देखते हैं बादशाही मस्जिद है, इधर लेफ्ट साइड पर नजर आ रही है, और ये शाही किले की नीचे वो बिल्डिंग है, और मैं क्योंकि ऊपर वाली बिल्डिंग में मौजूद हूँ, ये देखें मीनार पाकिस्तान भी इधर से जूम करके आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग है उसकी शाही किले की। तो ये आप देख सकते हैं ये नीचे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, कबूतर शबूतर उड़ रहे हैं, कबूतर इधर होते ही हैं बड़ी तादाद में, और मुझे तो अंदर बिल्डिंग्स के भी अंदर मिले हैं कबूतर, उन्होंने घोंसला वगैरह बनाए हुए हैं। ये गाइस आपने देखा इधर से इधर का व्यू इस विंडो का। हम नेक्स्ट रूम में चलते हैं, अदर यहाँ पे जो है ना इसको बंद किया हुआ है, तो पता नहीं क्यों बंद किया हुआ है। तो आगे हम चलते हैं जी, देखते हैं कितने गैस दरवाजे हैं इसमें, कितने डोर्स हैं, और कितना इसको खुला हवादार और मुनफरिद बनाया हुआ है। तो ये दी इधर जो है ना ये साइन बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड नहीं सॉरी वो इधर का नेम प्लेट कह लें, नेम बोर्ड लगा हुआ है शीश महल का, एटिक चैम्बर शीश महल बाला खाना सिख दौर का ये बना हुआ है जी। ये दरवाज़ा बंद है, लकड़ी का दरवाज़ा। अच्छा ये गैस मैं अंदर देखता हूँ, सीढ़ियाँ जो है जा रही हैं ऊपर को, ये शायद ऊपर के जाने के लिए दरवाज़ा। अंदर इधर भी जो है ना ये अंधेरा ही अंधेरा है, मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा है। ये जो है इधर तामीराती काम हो रहा है जी। तो गैस यहाँ पर मेंटेनेंस जो है ना वो जैसे वो ज़रूरत महसूस होती है, तो ये जो अमला है यहाँ पर जो इसकी केयर करने वाला वो करता रहता है, ताकि उस चीज़ को जो है ना वो एक पोजीशन में बरकरार रखा जा सके। और व्यूवर्स ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी जो है ना ये विंडो है, इधर से नज़ारा क्या आता है हम देखते हैं जी। यहाँ से गैस ये देखें उस तरफ बादशाही मस्जिद है, और यहाँ से जो एंट्रेंस है किले की वो आप देख सकते हैं, वो पार्किंग है जहाँ पर वो हमने शुरू में पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा गाड़ियाँ थी। तो गैस ये जो है ना आपने देखा यहाँ का मंजर, और ये इसका बैरूनी जो है ना वो है लुक शीश महल की। ये सामने फाउंटेन है, तो यहाँ पर जो है ना ये मैं कंफ्यूज हो रहा था एक्चुअली जो है ना कि ये है क्या चीज़, ये कोई इस तरह का तो ये जो है ना, क्योंकि इधर फाउंटेन वगैरह लगा भी नहीं हुआ, उसका सेटअप नहीं है, और बाकी जो है ना ये चीज़ जो है डिज़ाइन और सारा कुछ वो इस तरह का है। आप देख सकते हैं इसमें फाउंटेन लगा नहीं हुआ, क्योंकि वो पुराने दौर का जो भी था वही था, इन्होंने कोई उसमें एडिशन नहीं किया हुआ। और ये वाकई जो है ना बहुत खूबसूरती से बनाया गया है, अगर पिछले दौर में जाकर हम इस चीज़ का जो है ना इमेजिन करें कि इस तरह जो है ना इन्होंने इसको खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ। यहाँ से जो है ना पानी आता है इसमें, इसकी पानी की जो है ना वो इधर से जो है ना वो सीवरेज का निज़ाम है। और गाइज अब जो है ना मैं इस साइड पर जाता हूँ, यहाँ पर जहाँ गार्ड बैठा हुआ है, तो ये भी जो है ना बड़ी वो इस तरह की यहाँ पर मुझे व्यू आ रहा है। ये जैसे पुराना जो है ना कच्चा सा कच्चे मकान होते हैं, इस तरह की जो है ना ये दरवाज़ा देखें, मतलब पिछले दौर की ये याददाश्त जो है ना ताज़ा हो जाती है।
लकड़ी का दरवाज़ा, कच्चे मकान, हालांकि ये कच्चे नहीं है लेकिन इनको जो है ना इस तरह से वो डिज़ाइन बनाया गया है और इस तरह का वो पेंट किया गया है जिस तरह कच्चा सा लगता है। ये कबूतर ऊपर जो है ना वो बैठा हुआ है घोंसला बनाकर। तो ये देखें यहाँ कितना गोल्डन गोल्डन सा लग रहा है यार ये। तो यूवर्स उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये देखकर सब कुछ। ये आपने देख लिया शीश महल का नज़ारा, ये सारा जो इधर का मंजर है मैंने आपको दिखाया है। शीश महल जो है ना ये शाही किले में मौजूद है और ये यहाँ के मनाजिर आपने देखे हैं। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह की मज़ीद इंटरटेनिंग वीडियोस के लिए जो है ना आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस बआसानी मिलती रहें और आप उनसे भरपूर लुत्फानंदोज़ होते रहें। तो ठीक है व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।